उल्लासनगर में ब्राइट एंजल स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को शुक्रवार जल्दी छुट्टी नोटिस मामले में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजा ये है कि रोजाना ब्राइट एंजल स्कूल से जुड़े नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। वहीं मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें ब्राइट एंजल स्कूल के ही पूर्व छात्र द्वारा स्कूल की गतिविधियों पर कई खुलासे किए गए हैं। दरअसल जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने आज फिर हरिद्वार से विकास नगर पहुंचकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रबोधानंद फिर से स्कूल प्रबंधन और स्कूल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी जांच की मांग भी की है। महामंडलेश्वर योगी की तारीफ करते हुए सीएम धामी को साहस करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक स्कूल की मान्यता रद्द क्यों नहीं की गई है। जानकारी में आया है के पाकिस्तानियों का आने जाने का अड्डा ब्राइट एंजल स्कूल बना हुआ है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो प्रिंसिपल है, वह प्रिंसिपल ही उस शादीशुदा है तो किसी पाकिस्तानी से है और उसके सहारे आते हैं। अकेली वो प्रिंसिपल नहीं, उसकी और बहनें भी पाकिस्तान में उनकी आने जाने की गतिविधियां हैं। लेकिन पाकिस्तान से यहाँ आते हैं जाते हैं, क्यों जाते आते हैं, इसका अभी कोई ब्यौरा शासन प्रशासन ने नहीं खोला है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है ये पाकिस्तानी लोग भारत में राष्ट्रद्रोही गतिविधि करने के लिए आते हैं और उन पर नजर रख करके उनको कार्रवाई की जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ब्राइट एंजल स्कूल एक जिहादियों का अड्डा बना है, उसकी अभी तक शासन प्रशासन ने मान्यता समाप्त क्यों नहीं की और मान्यता समाप्त करने में देरी का कारण क्या है? क्योंकि जो एनओसी मिलती है उस एनओसी का काम है कि केवल स्कूल चलाने के अलावा कोई अतिरिक्त गतिविधि आप उसमें नहीं कर सकते। अब ये पकड़ी गई है, ये तो सीधा सीधा पकड़ा गया है। एजेंडा चलाते हैं, जिहादी एजेंडा चलाते हैं, तो फिर शासन प्रशासन ने कौन सी गेटिंग सेटिंग की आपके द्वारा पूछना चाहता हूं मैं। कौन सी गेटिंग सेटिंग है, कौन सा किसी बड़े नेता का क्या दबाव है क्या, और या कोई और प्रलोभन में आकर के शासन प्रशासन इस बात को डिले कर रहा है, विलंब कर रहा है, क्यों कर रहा है? तत्काल उसको खोले। पिछले दिनों मैंने एक आपके माध्यम से एक समाचार सुना था, उसका जवाब भी आपने चलाया था, उस जवाब को भी स्पष्ट कर रहा। कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल बंद हो जाएगा तो बच्चों का क्या होगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देश खत्म हो जाएगा तो स्कूल कहां से आएगा? उनको यह जवाब है मेरा, मेरा देश पहले रहना चाहिए। स्कूल तो एक नहीं, हजार हम पुनः खड़े कर लेंगे। और रही बात बच्चों के भविष्य की, यहां बहुत स्कूल चलते हैं, सब में किसी का भविष्य नहीं खराब हो सकता, ये हम गारंटी से कहते हैं। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूदा ब्राइट एंजल के पूर्व छात्र रहे आदर्श ने स्कूल की गतिविधियों पर कई खुलासे किए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। आदर्श रहा है, मैं 20 साल का हूं और मैं 2017-18 में ब्राइट एंजल से 10th पास आउट हूं। मैंने जब देखा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने अपने आंखों से देखा कि जब जिस दिन फ्राइडे होता था उस दिन पहले फुल डे होता था स्कूल में, तो जो मुस्लिम बच्चे होते थे वो अपनी कैप लेके आते थे बैग में, तो वो ऐसे करते थे कि जैसे जिस टाइम नमाज का टाइम होता था तो टीचर आते थे तो उन बच्चों को ले जाते थे, तो वो अपनी कैप ले जाते थे बैग से और वो ग्राउंड में जाते थे, साथ में हमारे प्रिंसिपल सर भी जाते थे और वो साथ में सारे नमाज पढ़ते थे और फिर वो वापस आ जाते थे क्लास में। आपने बताया रक्षाबंधन पर कला वगैरह आपको उड़ा दिया। हाँ जी, तो वो ऐसा होता था कि जैसे हम स्कूल से गए तो हमारे को 2-3 दिन ज्यादा हो जाते थे राखी बांध के, तो हमें उतारने के लिए बोलते थे कि ये राखी नहीं पहननी है, इसे घर से उतार के आ जाना। और क्या क्या रहा इसके अलावा? और क्या क्या? और एक हॉस्टल है स्कूल के पीछे, वहाँ पर सिर्फ 99% बच्चे मुस्लिम्स है और वो भी सिर्फ जम्मू और लद्दाख के, बाकी अदर स्टेट के कोई भी बच्चे नहीं है। 1% या 2% बच्चे जो होंगे वो वहाँ पर उसके होंगे, बाकी अदर स्टेट के, बाकी सारे जम्मू एंड लद्दाख के होंगे। आपने ये बयान पहले क्यों नहीं दिया, किस तरह का दबाव था? पहले स्कूल का दबाव था, टीसी और मार्कशीट के ऊपर दबाव था। अब आप कहाँ पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में? अभी मैं देहरादून डीएवी कॉलेज में हूँ और मेरा 3rd ईयर है लास्ट। तो अब आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, छात्र संगठन से जुड़े हुआ? हाँ जी, मैं एबीवीपी से जुड़ा हूँ।
आपको बता दें कि 21 तारीख को विकास नगर में ब्राइट एंजल नाम के निजी शिक्षण संस्थान में स्कूल टाइम से आधा घंटा पहले ही छुट्टी देने का मामला सामने आया था। ये छुट्टी हफ्ते के अन्य दिनों की बजाय सिर्फ शुक्रवार को ही देने का नोटिस छात्रों को दिया गया है, जिसके बाद शुक्रवार की ये खास छुट्टी का नोटिस जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने स्कूल प्रबंधन के फरमान का विरोध किया तो स्थानीय प्रशासन ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन को तहसील बुलाया। इसके बाद उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने स्कूल प्रबंधन को तत्काल तलब किया और शुक्रवार को जल्दी छुट्टी देने पर स्पष्टीकरण मांगा और फिर स्कूल प्रबंधन को अपना फरमान वापस लेने के निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ने प्रेस वार्ता कर स्कूल और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और स्कूल को जिहाद का अड्डा बताया। विकास नगर से टीना साहू की रिपोर्ट।